हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुस्लिम करे राम मंदिर निर्माण में सहयोग, नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, कहते हैं गिरिराज सिंह। इस दौरान गिरिराज सिंह ने गुजरात से पलायन कर रहे बिहार यूपी के लोगों के बहाने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात मामला कांग्रेस की देन है। नवादा सांसद गिरिराज सिंह आज यानी के बुधवार को बरबीघा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर राम मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग करें। अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो हिंदुओं का दिल दुखेगा, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। वही इस दौरान गुजरात से पलायन कर रहे बिहार यूपी के लोगों के बहाने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात मामला कांग्रेस की देन है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह इससे पहले भी कई मौकों पर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। इससे पहले देश की जनसंख्या को लेकर भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। गिरिराज सिंह ने कहा था 2047 में देश में एक बार फिर विभाजन होगा। उन्होंने कहा कि अभी तो 35वें बहस पर हंगामा हो रहा है, आने वाले वक्त में तो एक भारत का जिक्र करना असंभव है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की निंदा की थी। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उनके इस बयान के बाद राजनीति गरमाने की प्रबल संभावना है। बीजेपी सांसद बोले, गडकरी जी आपने ये क्या सच उगल दिया, पूरी दुनिया हमें जुमलेबाज कह रही है। बीजेपी के चुनावी वादों से जुड़ा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो सच में सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जनता से ढेरों वादे कर दिए। गडकरी ने एक मराठी शो के दौरान बीजेपी के वादों के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम सभी का दृढ़ विश्वास और प्रखर आत्मविश्वास था कि हम जीवन में कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, इसीलिए हमारे आसपास के लोग कहते थे कि आप तो बोलिए, वादे कीजिए, क्या बिगड़ेगा, आप पर कौन सी जवाबदारी आने वाली है। इसके बाद जब इंटरव्यू ले रहे नाना पाटेकर ने पूछा कि जब आपसे उन वादों पर सवाल पूछा जाता है तब क्या कहते हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम भी हंस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गडकरी की टिप्पणी से विपक्ष को अपने उन आरोपों के समर्थन के तौर पर पेश करने का मौका मिल गया है, जिसमें कहा जाता है कि मोदी ने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गडकरी के बयान का वीडियो क्लिप ट्वीट कर लिखा, सही फरमाया, जनता भी यही सोचती है कि सरकार ने लोगों के सपनों और उनके भरोसे को अपने लोभ का शिकार बनाया है। वही राहुल गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने लिखा, नितिन गडकरी जी ये क्या सच उगल दिया आपने, अब सारी दुनिया यही कह रही है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, राहुल गांधी भी आपकी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। रुपया लगातार गिर रहा है और पीएम मोदी फर्जी आर्थिक आंकड़े पेश कर देश को गुमराह कर रहे हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सिन्हा ने लगातार बढ़ रहे डॉलर और गिरते रुपयों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार फर्जी आर्थिक आंकड़ों के जरिए देश को गुमराह कर रही है। सिन्हा ने गुजरात से पलायन कर रहे लोगों का समर्थन किया है। अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार फर्जी आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार ने साल 2013 में जब रुपए की गिरावट आई थी तो पीएम मोदी चुटकी ली थी, रुपया आईसीयू में चला गया, आज वही रुपया 75 के करीब पहुंच चुका, मगर पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ईपीएफओ कभी रोजगार का डेटा नहीं हो सकता, मगर मोदी जी कहते हैं उन्हें सब पता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सैलून में जो बदहाली आर्थिक तौर पर हम झेल रहे हैं वैसा इससे पहले नहीं हुआ। गुजरात में हुए रेप के बाद पलायन कर रहे यूपी बिहार के लोगों पर सिन्हा ने कहा कि वहां बीजेपी सरकार है, हिंदी भाषा प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने गुजरात में हुई रेप की घटना पर कहा कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार उन लोगों की मदद करे जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, हमलों से बचने के लिए उन्हें पुलिस सुरक्षा देने चाहिए थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसी एक शख्स के घिनौने काम के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र धमाका, सनातन संस्था के कार्यकर्ता ने स्टिंग में कबूली बम रखने की बात, कोर्ट कर चुका है बरी। मंगेश ने बताया कि पहले उन्होंने उस मराठी नाटक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए बम धमाके किए। साल 2008 में महाराष्ट्र में हुए बम धमाकों के मामले में दक्षिणपंथी सनातन संस्था के 4 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। अब एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में आरोप मुक्त किए गए आरोपियों में से 2 ने उन धमाकों में शामिल होने की बात कबूल की है। बता दें कि इन बम धमाकों में ATS ने सनातन संस्था से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से बाद में 4 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब रिहा किए गए आरोपियों में से 2 आरोपियों मंगेश दिनाकर निकम और हरिभाव कृष्ण दिवेकर ने इंडिया टुडे टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में बम धमाकों में संलिप्तता की बात स्वीकारी है। साल 2008 में महाराष्ट्र के ठाणे, पनवेल और वाशी में बम धमाकों के मामले में 7 साल पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए मंगेश दिनाकर निकम ने कैमरे पर बम प्लॉट करने की बात स्वीकार की है। मंगेश दिनाकर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सनातन संस्था का साधक है। मंगेश ने बताया कि उन्होंने बम धमाके एक मराठी नाटक में हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश किए जाने के विरोध में किए थे। उसने वाशी में बम प्लॉट किया था। मंगेश ने बताया कि पहले उन्होंने उस मराठी नाटक के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए बम धमाके किए। मंगेश ने यह भी स्वीकार किया कि बम धमाकों की साजिश पनवेल के सनातन संस्था के एक ठिकाने पर रची गई। मंगेश निकम की तरह ही एक अन्य आरोपी हरिभाव कृष्णा दिवेकर ने भी कैमरे पर बम धमाकों में संलिप्तता की बात स्वीकार की। रायगढ़ स्थित अपने घर पर स्टिंग पत्रकारों से बात करते हुए दिवेकर ने बताया कि ATS ने उसके पास से विस्फोटक सामान भी बरामद किया था। हालांकि ATS ने अपनी चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। 2008 में बम धमाकों में ATS ने अपनी चार्जशीट में रमेश हनुमंत गडकरी, मंगेश दिनकर निकम, विक्रम विनय भावे, संतोष सीताराम अंगारे, हरिभाव कृष्ण दिवेकर और हेमंत तुकाराम चालके को बम धमाके करने और बम धमाकों की साजिश रचने का आरोपी बनाया था। साल 2011 में ट्रायल कोर्ट ने गडकरी और भावे को दोषी करार दिया था। वही बाकी 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया था। और सर्वे, 3 राज्यों में लोकसभा की करीब 1/3 सीट हार सकती है भाजपा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 65 सीटों में से 62 पर जीती थी, जबकि कांग्रेस मात्र 3 सीट ही जीत सकी थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव पूर्व सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करीब 1/3 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे के मुताबिक 3 राज्यों को कुल 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 43 पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर जीत सकती है। साल 2014 में बीजेपी इन 65 सीटों में से 62 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस मात्र 3 सीट ही जीत सकी थी।
सर्वे के मुताबिक बीजेपी को कुल 19 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी इतनी सीटों का कांग्रेस का फायदा हो सकता है। बता दें कि इन तीन राज्यों में अभी बीजेपी का सरकार है। टाइम्स नाउ के सर्वे बार रूम स्ट्रैटेजी के मुताबिक लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी की जीत हो सकती है, जबकि 8 पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। कुछ दिनों पहले ABPC वोटर के सर्वे में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी के खाते 22 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा सकती है। बता दें कि साल 2014 के चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में बार रूम स्ट्रैटेजी सर्वे के मुताबिक बीजेपी को कुल 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। वहां लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। ABPC वोटर सर्वे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा सकता है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। साल 2014 में यहां से बीजेपी ने कुल 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी। बार रूम स्ट्रैटेजी सर्वे के मुताबिक राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य में कुल 25 सीटें हैं और 2014 में सभी पर बीजेपी की जीत हुई थी। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 14 और कांग्रेस की 11 सीटों पर जीत हो सकती है। ABPC वोटर के सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।